One of the biggest assets of your vision is the people are so serious with it. वो लोग ही हैं जो आपके विजन को बनाते हैं. वो लोग ही हैं जो आपका साथ देते हैं. वो लोग ही हैं जो आपके साथ मिलकर रहते हैं. और आपने लोगों को बनाना है, विजन को नहीं बनाना, क्योंकि लोग आपके विजन को बनाएंगे. आपका विजन खुद ब खुद नहीं बनेगा. और इस सफर के अंदर, इस जर्नी के अंदर कहीं ना कहीं वो गलतियां करेंगे, कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होंगी, कहीं ना कहीं लोगों की वीकनेसेस होंगी. लेकिन वो जुड़े ही आपके साथ इस वजह से हैं कि आपकी स्ट्रेंथ उनकी वीकनेसेस को हार्नेस करती है. और इसी तरह कहीं ना कहीं आपकी वीकनेस उनकी स्ट्रेंथ से हार्नेस होती है. वो यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में, अपने विजन में किया करते थे. अगर उनको किसी की कोई अच्छी बात, कोई एस्पेक्ट नजर आ जाती थी, तो वो उसको अपनी जिंदगी में, अपने विजन में शामिल कर लिए करते थे. फॉर एग्जाम्पल, इब्ने मसूद की एग्जाम्पल ले लेते हैं. इब्ने मसूद एक दफा बकरियां चरा रहे थे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे एक गिलास दूध मांगा, लेकिन इब्ने मसूद ने मना कर दिया. उसने कहा कि मैं अपने मालिक से पूछे बगैर आपको ये दूध नहीं दे सकता. लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्ने मसूद की ये बात, उसकी ऑनेस्टी इतनी पसंद आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने मसूद को अपनी टीम का एक स्ट्रॉन्ग रिसोर्स बना लिया. और देखिए इब्ने मसूद की कॉन्ट्रीब्यूशंस. और यही एक लीडर करता है. वो अपनी टीम के साथ ऐसा ही करता है. वो अपनी टीम को इसी तरह बिल्ड करता है. वो किसी की वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ से हार्नेस करता है. एंड दिस इज हाउ ग्रेट टीम्स आर बिल्ट, बिकॉज ग्रेट लीडर्स मेक ग्रेट विजन्स एंड ग्रेट टीम्स. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.